जी इस ट्रेन में दो ही चीज यूनिक लगा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओन चैनल ग्लोबल आरडी। ग्लोबल आरडी चैनल में आपका सबका स्वागत है यार। अभी मैं शेल्द स्टेशन में हूँ और आज हम लोग ट्रैवल करेंगे एक ऑर्डिनरी एक्सप्रेस में, पर फर्स्ट क्लास में। तो ऑर्डिनरी एक्सप्रेस में फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस कैसा होता है, आज उस एक्सपीरियंस का मजा जो है चखेंगे। तो हमारे साथ घूमते रहो, वीडियो में हम धीरे धीरे बताते रहेंगे हम जा कहाँ रहे हैं। थंबनेल देख के तो इस बार आपको पता नहीं लगेगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो वीडियो में आप बने रहो और देखते रहो हम जा कहाँ रहे हैं और इस ट्रेन का क्या नाम है। शेल्दा स्टेशन कुछ ऐसे ही दिखेगा। अभी घड़ी में 7:46 हुआ है और हमारा तिरंगा जो है यहाँ पे लहरा रहा है। हमारी गाड़ी जो है रात को 8:35 पे छूटने वाली है, तो करीब करीब अभी 50-55 हाथ में है। तो चलो अंदर चलते हैं। तो मैंने अभी एक नीलम स्पेशल थाली पैक करवा ली, 240 रुपये कह रहे हैं। भाई 240 रुपये क्यों, 230 10 रुपये पार्सल का। वाह बढ़िया भाई, स्पेशल थाली पैक करवा लिया, 240 रुपये लिया, पैकिंग चार्जेस 10 रुपये अलग से। शेल्द स्टेशन में हल्दीराम का एक फैक्ट्री आउटलेट है, मुझे कभी पता नहीं था, शायद अभी रिसेंटली हुआ होगा। देख लेता हूँ क्या मिलता है यहाँ पे। अभी मैंने पूछा यहाँ पे मिठाई वगैरह है कि नहीं, उन्होंने कहा है, देख लेता हूँ कहाँ है क्या है। रसगुल्ला भी है, ये 3 दे दो। ये गाजर का हलवा है, ये 1 पाव दे देना भाई। 250 रुपये की मिठाई ले ली, गड्डी अभी तक छुट्टी नहीं, 250 और 250, 500 रुपये का बिल बन गया। अब भागना पड़ेगा प्लेटफॉर्म की तरफ, देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म में हमारी गाड़ी लगी हुई है। पता नहीं अभी तक, मैंने चेक भी नहीं किया, मुश्किल से 20-21 बचा हुआ है अभी। ट्रेन जो है ना एकदम खटारा दिख रहा है और इसी ट्रेन में फर्स्ट क्लास में आज हम सफर करने वाले हैं, कंचन कन्या एक्सप्रेस में, और उसका एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो ये हमारा डब्बा आ गया, इधर से है ये फर्स्ट क्लास जो है सेकंड एसी के साथ मिक्स है। हाँ भाई पहुंच गए फाइनली। तो भाई फर्स्ट क्लास एसी कंचन कन्या एक्सप्रेस में अभी बोर्ड कर चुके हैं। बहुत ही पुराना कोच है, आप लोगों को इस फर्स्ट क्लास एसी कोच का थोड़ा सा टूर करा देता हूँ। राजधानी एक्सप्रेस के जैसा ये कारपेट टाइप का कुशन दिख रहा है ऊपर, ये जो है काफ़ी पुराना है यार। अच्छी बात ये है यहाँ पे एक लाइट दे रखे हैं, चार्जिंग पॉइंट तो है ही है। ये वाला जो है ना ये फैन का है, देखो कितने साल पुराना का है। ये पंखा ऑन हो गया, तो पंखे को बंद करने के लिए मुझे इसको ऑफ करना पड़ेगा। तो मोटा मोटी यही है, रीडिंग लाइट दे रखे हैं और यहाँ पे आप थोड़ा सा सामान रख सकते हो। फ्लोर जो है इसको ऐसे सीढ़ियाँ दे रखी है तो आप चढ़ सकते हो। फर्स्ट एसी का जो प्राइस है वो थर्ड एसी का डबल क्यों है, वो वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, ऊपर लिंक बटन में मैं दे रखा हूँ लिंक, आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। एक बात तो तय है, राजधानी दुरंतो का जो फर्स्ट एसी होता है और ये ऑर्डिनरी एक्सप्रेस ट्रेन का जो एसी फर्स्ट क्लास है बहुत ही अंतर होता है। काफ़ी गंदा है और देख के लग रहा है बरसों से साफ नहीं किया हुआ है। गड्डी जो है एकदम टाइम पे छोड़ दी, इस गाड़ी का एक ही चीज़ ठीक ठाक लगा अभी तक, चलते चलते बाकी सब पता लगेगा। बट जो अटेंडेंट है यहाँ पे जो डस्टबिन है वहाँ पे एक पॉलिथीन लगा के गया है। अब इस ट्रेन का जो बाथरूम है उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। काफी पुराना ट्रेन है, डब्बा देख के मुझे लग रहा है ये कम से कम 12-15-18 साल पुराना ट्रेन है।
फिर भी इंडियन लेबोरेटरी सिस्टम है, बट कम से कम यहाँ पे एक शावर दे रखे हैं और यहाँ पे मग्गा इंडियन ब्रांड दे रखे हैं, एग्जॉस्ट है और यहाँ पे एक लैपटॉप मोबाइल चार्जर, पता नहीं यहाँ पे क्यों दे रखे हैं, कम से कम ये चलता होगा। हाँ ये चल रहा है और ये भी चल रहा है। आईना है, मोटा मोटी साफ सुथरा है, बाकी खास कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई बाथिंग शावर नहीं दे रखे। अब ये डिनर पैक खोलते हैं, देखते हैं कैसे दिया गया है। वाओ, राजस्थान में जैसे नीलम भोजनालय मिलता था वैसे यहाँ पे नीलम फूड कॉर्नर है। तो पक्का कोई पनीर वनीर का होगा। हाँ पनीर है, ये रायता है, सिर्फ रायता दिख रहा है, तैर रहा है। ये कोई मिठाई होगी, पता नहीं ये क्या मिठाई है, इसको अलग से रखते हैं भाई। ये और एक सब्जी है, दाल है, बहुत ही पुराना सलाद है और ये राइस है। राइस देख के फ्रेश लग रहा है और रोटी भी फ्रेश है। हल्दीराम का रसगुल्ला जो है ठीक है, अच्छा ही है, बट वो वाला रसगुल्ला नहीं है जो हम चाहते हैं। ये गुड़ का रसगुल्ला कह रहे हैं, ठीक ठाक है, ठीक है, 7-8 मिल जाएंगे। भैया रात को बज गया 10, अब सोने का टाइम है, मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? रात ठीक ठाक गुजर गया, ठंड काफी है यार। सर्दी में बिना कंबल का ट्रेन में सफर करना भयंकर स्थिति होती है और कल हमने ये तजुर्बा कर ली। बिना टोपी बिना जैकेट के एक चद्दर के जरिए सो गए और सवेरे जबरदस्त ठंड लगने लगी और गला बैठ गया मेरा। गाड़ी जो है करीब करीब 1 घंटा लेट चल रही है, बाहर जबरदस्त कोहरा छाया हुआ है। ये दिल्ली वाली अगर रूट होती ना तो ये ट्रेन शायद रुकी जाती। अभी थोड़ा बहुत धूप निकल आया है बट बाहर जो है ना काफी कोहरा छाया हुआ है, ट्रेन 1 घंटे लेट चल। बागडोगरा करके कोई एक स्टेशन था, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो जानता था बागडोगरा एक एयरपोर्ट है। एनीवे आप जितना घूमोगे उतना ही आपका एक्सप्लोरेशन होगा और उतना ही आपको सीखने को मिलेगा, और आज भी मुझे एक चीज सीखने को मिली। फर्स्ट क्लास में बैठे बैठे छाल मुड़ी खा रहे हैं। शिलीगुड़ी स्टेशन में पहुंच गए हैं और यहां पे अभी ब्रेकफास्ट जुगाड़ करने में लगे हुए हैं। आपको मैं दिखाता हूं। ले ली भैया पूरी सब्जी ले ली, 6 पूरी का 30 रुपया चार्ज किया इन लोगों ने। Thank you.
बहुत ही छोटा सा स्टेशन न्यू माल जंक्शन में अभी पहुंच गए हैं और यहां से मेरे हिसाब से और 1 से 1.5 घंटे का सफर रह गया। गाड़ी 1 घंटे लेट चल रही है, 11 बजे पहुंचना था, मेरे हिसाब से 12 से 12:15 के बीच हम पहुंचने वाले हैं। ट्रेन में दो ही चीज यूनिक लगा, एक तो ये पंखे का जो रेगुलेटर है, ऐसे करने से पंखा चालू हो जाएगा, और दूसरी चीज है ये सीट का अरेंजमेंट। आप ये देख सकते हो, ये सीट को ऐसे जो अपर बंक है इसको ऐसे फोल्ड करके ऊपर रखे तो यहाँ पे काफी स्पेस मिल जाएगा। सुपर फास्ट एक्सप्रेस का जो फर्स्ट क्लास एसी होता है या फिर राजधानी दुरंत एक्सप्रेस का जो एसी होता है और उसके कंपैरिजन के मुकाबले ये जो ऑर्डिनरी एक्सप्रेस का जो एसी फर्स्ट क्लास होता है बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बस अंतर जो होता है वो सिर्फ सर्विस का होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन वाला है तो नेचुरली यहाँ पे आपको पैंट्री कार्ड मिलने वाला है नहीं, तो आपका जो खाना जो है खुद को जुगाड़ करना पड़ेगा, या तो स्टेशन में खुद के आपको लेनी पड़ेगी या तो साथ में खाना कैरी करना पड़ेगा। हमने तो डुअल किए हैं, साथ में मिठाई वगैरह ले ली है, आपने देख तो ली हल्दीराम से हमने कैसे मिठाई भी साथ में ले ली। तो ऐसे ही है जर्नी, जर्नी अच्छी रहा, थोड़ा बहुत जो गंदा है वो आपको इंडियन रेलवे तो पता ही है, कुछ कुछ जगह में अभी भी इम्प्रूव करने के लिए जगह है। तो मुझे उम्मीद है अगले आधे घंटे में हम लोग पहुंचने वाले हैं हमारे डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद ही मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरा प्लान क्या है। आज का ये एसी फर्स्ट क्लास का ऑर्डिनरी एक्सप्रेस में सफ़र करना यहीं पे ख़त्म होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो और पूरे वीडियो में मैंने अभी तक ये जिक्र करी नहीं कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, तो हमारे साथ बने रहना। वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो अपना ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अच्छा रहेगा दोस्तों, बाय बाय। हाशीमारा हाशीमारा।